नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा भवानी मंडी के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं कार्यक्रम को मेड़तवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा की संरक्षिका के पद पर मंजू भराड़िया, शोभा खंडेलवाल, अध्यक्ष पद पर मालती अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमल चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष अलका गोयल एवं मीनाक्षी जाकेटिया, सचिव पद पर नीतू बाहेती एवं अंजू खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष पद हेतु रजनी सोत्रिय एवं सीता खंडेलवाल, वित्त प्रबंधन निशा भराड़िया और राजेश बिरला, मीडिया प्रभारी सुरा शर्मा एवं मेघा गुप्ता, महिला सशक्तिकरण कामाक्षी गुप्ता, नीना खंडेलवाल एवं वंदना लड्डा, पर्यावरण मंत्री भाग्यवंती पौरवाल, कंचन राठी, रेखा पौरवाल एवं कविता भूतड़ा, नेत्रदान प्रभारी गंगा गुप्ता, रीना खंडेलवाल, नीतू काग्या एवं डिम्पू बंसल, सांस्कृतिक मंत्री निवेदिका बाहेती, अलका भूतड़ा, राखी जैन, स्वास्थ्य सेवा ज्योति पौरवाल एवं मंदारिकिनी शर्मा, संबंध समन्वय में सावित्री भूतड़ा, मंगला गुप्ता एवं मंजुला सोनी, आध्यात्म चिंतन मनोरमा अग्रवाल एवं आशा चतुर्वेदी, साहित्य सेवा उर्मिला औदिच्य, मोनिका अग्रवाल और प्रेम खंडेलवाल को मनोनीत किया गया। झालावाड़। प्रदेश में गर्मी के मौसम में अतिरिक्त तापमान को देखते हुए चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा जिले के सभी चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश प्रदान किया गया कि सभी अस्पताल में प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात वार्ड एवं प्रसव कक्ष में थर्मामीटर लगाए जाएं, जिसमें सामान्य 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाए और तथा कूलर, पंखे, वेंटिलेशन की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के लिए पीने के पानी, बैठने के लिए छाया की व्यवस्था, साथ ही लू, ताप, घात के रोगियों के लिए चिकित्सा संस्थान पर 2 बेड आरक्षित रहें। झालावाड़। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व उससे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नीति निर्माण हेतु आंकड़ों की ऑनलाइन एंट्री कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण एवं रियल टाइम पर्यवेक्षण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NIC के सहयोग से और विश्व बैंक में वित्त घोषित IRAD लागू किया जा चुका, जिसके तहत राजस्थान में पुलिस, परिवहन व सड़क विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की ऑनलाइन एंट्रियाँ सुचारू रूप से हो रही। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल पैरवाज झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान शहर के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ दलित समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद बैरवा ने अनुसूचित जाति के उत्थान व अधिकारों हेतु जिले में कार्यरत सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की और जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के अभाव अभियोग में सुने। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि प्रदेश में आए दिन दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए, जिनमें खास तौर पर दलित दुल्हों को घोड़ी पर नहीं बैठाने के मामले सामने आए। ऐसे मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने में पुनः प्रयास किया जाए। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री खिलाड़ी बैरवा का झालावाड़ के सहवारी पार्षद दिव्यांग संजीव वर्मा द्वारा सर्किट हाउस में स्वागत किया गया, जिसमें मंत्री ने धोबी समाज के लिए अलग से आयोग गठन की मांग रखी। इस वर्ग के लोग इस धंधे पर निर्भर रहते हैं। अभी COVID-19 की वजह से इस वर्ग में काफ़ी बेरोजगारी भी हुई है। इनके लिए कोई अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं हो सकी। यह मांग मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी गई थी। स्वागत में पूर्व विधायक मंडनलाल वर्मा, मीनाक्षी चंद्रावत, कैलाश मीणा, सफीक मोहम्मद, अंजना बैरवा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा दिव्यांग पार्षद राजेश बैरवा, मनोज कुमार, दिव्यांग जन साथियों ने भी संजीव वर्मा के साथ स्वागत किया। मनोर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने तलवार से हमला कर एक युवक को घायल किया। महाराजपुरा निवासी निरंजन सिंह पुत्र देवीलाल भील ने बताया कि वह मंगलवार दोपहर 1 बजे के लगभग गाँव के समीप पुलिया के यहाँ गया हुआ था। वहां पर 2 अज्ञात व्यक्ति फलसी व तलवार लेकर आए और उस पर हमला कर दिया। तलवार से उसके एक हाथ में गंभीर चोट लगी है। घायल अवस्था में मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए उसको रेफर किया गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। मनोर थाना पुलिस ने अवैध डोरा चूरा पर कार्रवाई करते हुए 15 किलो 900 ग्राम अवैध डोरा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। थानाधिकारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के खेमरी खुद चौड़ों पर नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्ति कंधे पर प्लास्टिक के कट्टे रखकर आते नजर आए। पुलिस को देखकर वो वापस मुड़ने लगे। संदेह होने पर उनको डिटेन करने का प्रयास किया गया तो खेमरी खुद निवासी फूलचंद पुत्र भोल लाल तंवर अपने कंधे पर रखा कट्टा छोड़कर भाग गया, जिसमें 8 किलो 100 ग्राम
दौरा छुरा था। वहीं सैमली खुद निवासी मन्नालाल पुत्र अमनलाल तवर 65 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके पास से कट्टी से 7 किलो 800 ग्राम अवैध डोरा चूरा मिला। कुल 15 किलो 900 ग्राम अवैध डोरा चूरा जब्त किया गया। पुलिस टीम में द्वितीय थानाधिकारी जगदीश नागर, कांस्टेबल राजवीर, रामवीर, नीरज, चंद्रपाल, जगदीश, सुनील, राजू, जितेंद्र, पंकज, पवन का विशेष सहयोग रहा। पनवार ग्राम मुंडला में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष महावीर नागर मुंडला के नेतृत्व में आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में पक्षियों के लिए पानी के लिए परिंड बांधे गए। भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष महावीर नागर ने बताया कि युवा मोर्चा टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा परिंड बांधकर रोज उसमें पानी भरने का संकल्प लिया गया ताकि कोई पक्षी प्यासा न रहे। इस दौरान ललित शर्मा, नवल नगर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पनवार ग्राम पंचायत में श्री अंधेरे बाग वाले हनुमान महाराज मंदिर पर रामायण जी की पुण्यहुति पर सरपंच अर्जुन कुमार सुमन सानिध्य में पानी की टंकी से जल यात्रा व जुलूस यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा कर्तव्य दिखाए गए। 51 बालिकाओं ने सिर पर कलश लिए, घोड़ी की पोली 62 सुरही जो मोहनलाल सुमन आलोदिया की रही तथा घोड़ी पर बैठे वहीं बड़ा कलश की बोली 1100 रुपये गोविंद नायक की रही। कार्यक्रम में महावीर नवयुवक मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे आ दूर देश रहा है मामला अब गाओ अपना। साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे, हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे, We'll be right back.